हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साईं कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप आई होप कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हस्त पुष्ट होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। चलिए मेरा ब्लॉग अभी हम 10 बजे चालू किए हैं और किचन का काम निपटाना है मेरे को पहले, क्योंकि काम वाली नहीं आई है, उसको एडमिट किया गया है। तबीयत ठीक नहीं चल रहा था उसका, उसको बोला भी था ब्लड टेस्ट करवा के तो रिपोर्ट निकलवा के फिर दवाई करवा, लेकिन उसको पता नहीं कौन से डॉक्टर को दिखा रही थी, सिर्फ डिप पे डिप चढ़ाया जा रहा था। अभी उसको कल एडमिट किया है, तभी तो देखो 5-6 दिन वो नहीं आएगी। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी, तब तक तो अपने को ही चलाना है। उसी में तीज त्यौहार भी आ रहा है। चलिए अभी हम खाने का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर डस्टिंग करेंगे, झाड़ू करेंगे, फिर पोछा करेंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। क्योंकि फिर ना नहा अभी क्या है ना, नहा के करेंगे ना तो फिर पसीना पसीना हो जाएंगे, फिर नहाने जाओ, उससे अच्छा सब निपटा के फिर जाएंगे। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और ये बॉयल आलू का मसाला वाला सब्जी बनाएंगे। टमाटर कट कर लिए, ऑनियन कट कर लिए, मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक कुकर में दाल चढ़ा लिए हैं, दाल बना लिए हैं। चावल बनाएंगे, जीरा राइस ही खाता है मेरा बेटा, तो आज 1 बजे आ जाएगा, 1:30 बजे तक, फिर वो खा पी के फिर ट्यूशन जाएगा। चलिए हम अपना खाने का पहले तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सब काम निपटाएंगे। मेरे को आज हेड वॉश भी करना था। तीज 18 तारीख को है, हरताली का तीज, तो मेरे ससुराल में वो होता है और यहाँ गुजरात में भी केवड़ा तीज के नाम से जाना जाता है। और आप अगर करते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि तीज का टाइमिंग क्या है, क्योंकि सुनने में आया है कि 11:30-12 बजे तक तीज ख़त्म हो जाएगा, तो पूजा करने का टाइमिंग क्या है, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स पर मैसेज करके बताइएगा। चलिए हम तब तक काम निपटाएँ, फटाफट काम करें। ब्लॉग जो फ्री होंगे तो ब्लॉग बनाएंगे, नहीं हो फ्री होंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं फिर। देखिए मेरा भिंडी मसाला तैयार, यहाँ जीरा राइस चढ़ा दिया है, यहाँ दाल फ्राइज बन गया है, थोड़ा सा आटा अभी के लिए रेडी कर दिया है, बाद में शाम को बाद में अलग से करेंगे, क्योंकि शाम पर कोई फिक्स नहीं है क्या बनेगा। ये हो जाए उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम में लगे। आज चावल भिगो के नहीं रखा था, तो 2 या 3 सीटी लगाना पड़ेगा, 1 तेज आंच में, 2 सिम आंच में। और दाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब बस चले। ऐसे ही हालत देखो, पसीना पसीना हो गया, तो अभी डस्टिंग करके, झाड़ू पोछा करके उसके बाद हम नहाने जाएंगे। तब तक तो शायद मेरा 12 से ऊपर ही हो जाएगा। अभी चलिए करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ का तो डेली का वही है, डेली ठीक करो, डेली डस्टिंग करके ठीक करो। इसी से डस्टिंग कर देते हैं। देखिए आपको जाला दिख रहा होगा, डेली डस्टिंग करते हैं, डेली यहाँ पे जाला लग जाता है, ये मौसम ही ऐसा है जाले वाला, पूरे घर पे यही हाल है। चलिए सब काम करें अभी। देखिए करेला लेके बैठे हैं, करेला काट लें। किचन का काम तो सब हो गया है, इसको काट के धो के अच्छे से पानी निकल जाएगा तब तक रख देते हैं, उसके बाद इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है ये, पहले भी आपको बताया था। उसके बाद डस्टिंग सब जगह हो गया है, फिर अब जाएंगे, डस्टिंग सब कर दिया है, अभी जब देखिए कचरा दिख रहा होगा आपको शायद, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, फिर नहाएंगे। हेड वॉश करना था बट आज थर्सडे है, तो थर्सडे हेड वॉश नहीं करेंगे,
कल ही हेड वॉश करेंगे, ऑयल लगा लेंगे उसके बाद हेड वॉश करेंगे। चलिए करेला काट लें, उसके बाद झाड़ू करें फटाफट, फिर झाड़ू करके पोछा लगा के फिर नहाने जाएंगे। भूख तो बड़ी कस के लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लेते हैं, थोड़ा देर भूख बर्दाश्त हो जाएगा, क्योंकि हम नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। बहुत रेयर होता है नाश्ता कर लिया तो कर लिया, अगर नाश्ता कर लेंगे तो खाना स्किप हो जाता है, तो वैसे भी मेरे को टाइम लगता है, हम लोग नहा धो के पूजा करके ही खाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए अभी झाड़ू टाइम, झाड़ू करें, सब हो गया डस्टिंग। कैसे लग रहे हैं ना क्या करें, जाए फटाफट झाड़ू कर लेते हैं, फिर पूछा मार के। करेला काट के इसको भिगो दिया है, बाद में इसको अच्छे से धो के पानी निकाल के रख देंगे, अच्छे से पानी सूख जाएगा उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। चलिए हम झाड़ू करें, क्योंकि झाड़ू करेंगे उसके बाद ही पोछा मारेंगे, अभी तो मेरा ऐसे ही परेड होने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट, अभी हम चले नहाने, उसके बाद फिर पूजा करें, बहुत कस के भूख लगा है। यहाँ पे करेला जो धो के रखा है, जैसे इसको ये टोकनी में निकाल देते हैं, फिर निचोड़ने रख देते हैं। अभी इसको पूरे दोपहर ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ढक देंगे कि पसीजे नहीं, और शाम को इसको फ्राई करेंगे, तो पूरा इसका जो पानी है सूख जाएगा, उसके बाद इसको बनाएंगे। चलिए अब हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि 12 से ऊपर हो गया है, मेरे को बहुत कस के भूख लगा है, अभी पूजा भी करना बाकी है, 5 मिनट में आज पूजा कर लेंगे, लंबा नहीं करेंगे, और काम वाली को भगवान जल्दी स्वस्थ करे मेरी, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, उसको जल्दी स्वस्थ करे, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, फिर अपने काम पे चालू हो जाए। और उसके लिए क्या मांगेंगे, काफ़ी टाइम से बीमार रह रही थी, लेकिन कल उसको एडमिट करना पड़ा। चलिए कोई नहीं, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब हम नहाने जाते हैं, नहा के पूजा करें, फिर मिलते हैं आपसे, बाय। चलिए मेरा पूजा हो गया है, पूजा पाठ निपटा लिया, अब बड़ी कस की भूख लगी है, तो अपने लिए खाना निकालें, क्योंकि खाना ही जीवन है मेरे लिए, दो टाइम ही खाते हैं, जब भूख लगे तब खा लो, ये बात है। तो हम चलिए अपना खाना परोसते हैं, खाना खाएं, कपड़ा वॉश हो रहा है, और खा के फिर बेटा जल्दी आएगा, उसको खिला पिला के फिर ही बर्तन करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं खाते वक्त। देखिए मेरा फेवरेट प्याज और टमाटर का कचुंबर, और मेरा फेवरेट जो मेरे को चाहिए ही होता है थोड़ा थोड़ा डेली, और रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल आज भी हम नहीं खाएंगे, बस रोटी सब्जी, इसी में मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। चलिए हम खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा था। हो गया मेरा खाना, खा लिए, अब कपड़ा भी हो गया है स्पिन, जा रहे हैं कपड़ा सुखा दे, उसके बाद मेरा बेटा आ जाएगा, 1:30 बजने वाला है। चलिए हम कपड़ा सुखा देते हैं, तो फिर धूप चला जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे कपड़े सुखाने के बाद। ज़्यादा कपड़ा नहीं था, कपड़ा भी सुखा दिया, अभी कपड़ा भी हो गया, सब हो गया, ज़्यादा नहीं था कपड़ा आज तो, सुखा दिया, अभी बैठ के बेटा का वेट करते हैं, आता ही होगा, तब तक थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। चलिए मेरा हो गया, बेटा का भी खाना हो गया, बर्तन भी कर लिया, थोड़े से थे बर्तन, अब हम थोड़ा फ़ोन देखें, नींद आया तो थोड़ा आराम करें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं बाद में। वो छोटी सी लड़की आ जाती है वीहा, तो उससे टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता है। चलिए 3 बजने को आ रहा है,
आधा पौना घंटा आराम कर लें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए हम तो शाम का काम भी चालू कर दिए हैं। यहाँ पे हम करेला फ्राई कर रहे हैं और परवल आलू की मसालेदार सब्जी बनाएंगे और आटा भी तैयार करेंगे। दिखाते हैं आपको हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। करेले का पानी एकदम सूख गया था, हम सुबह धो के रख दिए थे। अब इसको सरसों के तेल में इसको स्लो आंच में फ्राई करेंगे और यहाँ पे परवल को छील के इसमें खीरा लगा दिया है और उसको अभी सुनहरा हल्का लाल करेंगे, फ्राई करेंगे। और ये आलू ऐसा काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा, इसको भी फ्राई कर लेंगे लाल होने तक। फिर यहाँ खुल जा बेटा, यहाँ पे लहसुन प्याज टमाटर अदरक मिर्ची का पेस्ट एक साथ बना लिया है, वो बाद में करेंगे। अभी इसको हल्का सा नमक डाल दिए इसमें, एक दो चुटकी बराबर की, इसके अंदर भी नमक चला जाए क्योंकि कभी कभी होता है मसाले में नमक हो जाता है और इसके अंदर मिल जाता है। तो तेल में नमक डाल दिए हैं, अभी हल्का सा हल्दी और लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा वैसा डाल देंगे। ये हल्का सा हल्दी और लाल मिर्च डाल दिए हैं जिससे इसमें कलर भी आ जाएगा और ऐसे धीमे आँच में इसको भी फ्राई करेंगे, लाल हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल के फिर आलू फ्राई करेंगे इसलिए तेल में। देखिए ये भर के ऊपर तक कढ़ाई में था ना, अब ये धीरे धीरे श्रिंक होते जाएगा। मीडियम आँच में ऐसे ही इसको फ्राई करते करते लाल करेंगे। बाद में जब ये और कम हो जाएगा तब हल्दी लाल मिर्च पाउडर कलर वाली और नमक डालेंगे। और यहाँ आलू डाल दिए हैं धीमे आँच में, इसको भी लाल लाल फ्राई करेंगे। लगभग देखिए हो गया है और थोड़ा सा लाल कर देंगे, ऐसे ही फ्राई करते ही करते में पक जाएगा। और यहाँ ये परवल निकाल लिया फ्राई करके, यहाँ आटा को तैयार कर लिया, बस इसमें तेल डाल के छिकना करेंगे। कितनी है, पसीना पसीना हो गए। ये हो जाए तो फिर हम संध्या बत्ती करेंगे, थोड़ा और अंधेरा जैसा हो जाए संध्या बत्ती करेंगे। तब तक 7 बज जाएगा, फिर जब ये भी बन जाएगा सब्जी मसाला फ्राई करेंगे, थोड़ा लाल हो जाए आलू फिर मसाला फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर सब्जी का काम हो जाएगा और ये क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। देखिए काफ़ी हद तक ये पानी ये हो गया है, अच्छे से सिंक हो गया है। अभी इसमें नमक हल्दी और कलर वाली लाल मिर्च डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च। और इधर में हमने अभी खाली वो जीरा हींग से और लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च से खाली टमाटर वाला जो पेस्ट बनाया था वो ये किया था, तेल छोड़ दिया है। अब इसे मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी यही थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी यहाँ डाल देते करेले में। ये सब्जी में थोड़ा सा किचन किंग भी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी सब्जी में किचन किंग डालिएगा, ये डेली मसाला के साथ में वो रहेगा ना तो स्वाद बहुत बढ़ के आता है। तो इसको चला लेते हैं, ये पहले तेल को सोख लेता है, बाद में जैसे जैसे श्रिंक होता है तेल छोड़ देता है। अभी भी इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे, नमक डाल देंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ मसाला अभी ढक देते हैं, ढक के फ्राई होने देते हैं, बाद में ये फ्राई किया हुआ परवल और आलू डाल देंगे। नमक भी डाल देंगे इसमें, अब इसको थोड़ा देर बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर चालू करेंगे गैस बाद में। और यहाँ पे देखिए
कितना अच्छा कलर आया, तेल भी छोड़ दिया यानी मसाला फ्राई हो गया मेरा। अब ये परवल, आलू, यही ग्रेवी में भी इसको पकने देंगे, बाद में हल्का सा पानी डाल के, ज़्यादा इसको पानी पानी वाला नहीं बनाएंगे, ऐसे लटपटा, ज़्यादा रस्सा भी नहीं, ज़्यादा लटपटा भी नहीं, मीडियम में रखेंगे। अभी इसको ऐसे मसाला में स्लोली फ्राई करेंगे, बाद में पानी डालेंगे और उसके बाद मेरा सब्जी रेडी। क्योंकि फ्राई करने में ही आधा सब्जी पक गया है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, आटा भी कर लिया है। मेरा हालत तो, ये एक तो काफ्तान वाला नाइटी पहन लिया है, उसमें ज़बरदस्त गर्मी लग रहा है। चलिए संध्या बत्ती कर लें हाथ पैर धोके, तब तक सब्जी भी हो जाएगा, फिर ये लोग आएंगे तो फिर गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। देखिए फ्राई होते होते कितना कम हो गया और अच्छे से क्रिस्पी हो गया, मेरे मुँह तो देख के पानी आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या बना है मेरा करेला। और इधर ये सब्जी भी रेडी हो गया, आलू भी पक गया, अब धनिया पत्ती डाल दें। मेरा बस चले तो धनिया पत्ती करेले में भी डाल दें, मेरे को धनिया पत्ती इतना पसंद है, बट कोई नहीं, अच्छा इंडियन ही खाना इतना बेस्ट है कि नॉनवेज की ओर कौन जाता है, वेजिटेरियन फूड ही बहुत है बढ़िया। चलिए इधर ये हो गया, अब चलते हम रोटी बनाने। देखिए हम अपना खाना लेके बैठे, मेरे को रोटी से ज़्यादा सब्जी खाने का बहुत शौक है, तो करेला है, सवेरे की थोड़ी सी भिंडी रखी थी और अभी परवल आलू की सब्जी बनाई थी वो, और तीन रोटी। बड़ी भूख लगा है, उन लोगों को बाहर दे दिए और हम अपना अंदर एसी ऑन करके बैठे हैं, बहुत गर्मी है, कफ्तान पहन लिए ना तो पागल हो गए गर्मी से। चलिए हम खाते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए अपना खाना। मेरा परवल बहुत ही अच्छा बना था, हाँ 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 मुँह पानी आ गया, और करेला तो मेरा जान है, खा के मन भर गया, पेट भर गया। अब बर्तन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको जाना है एक जगह काम से, और कहाँ जा रहे हो वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो चूल्हा और चौक प्लेटफॉर्म साफ कर दिया, बर्तन खुलने छोड़ दिया, अगर जल्दी आ गए तो धो देंगे, नहीं तो फिर कल सुबह धो देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा होता है नहीं, हाथों हाथ धुल जाता है जो यूज़ करते हैं, और ये बस खाने का ही प्लेट रहता है, कढ़ाई रहता हो तो कोई बात नहीं, जल्दी आए तो धोएंगे नहीं तो कल धोएंगे। अब चलिए हम जा रहे हैं तैयार होने, उसके बाद क्या लेने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे, चलिए मिलते हैं बाद में। हम जहाँ गए थे वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आए, और बेटा को पसंद नहीं आया कुछ, तो अभी दूसरे जगह जाएंगे उसको देखने के लिए। एक्चुअली उसका बर्थडे आने वाला है इसी मंथ में, तो उसके लिए कपड़े लेने जाने थे तो वो मिले नहीं, उसको पसंद नहीं आया, हम लोग जहाँ जहाँ गए अभी कल परसों में दूसरी जगह जाएंगे, फिर उसके लिए दिला देंगे। उसको इच्छा नहीं था, फिर भी बोला कि चलो एक बार देख लेते हैं, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। बस एक शर्ट लेके आए हैं और अपना घर का कुछ ज़रूरी सामान। चलिए 11:30 हो गया, अब ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शायोनारा, सब्बा केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय।